क्या नाम है आपका? सुलोचना सुलोचना अग्रवाल। कहाँ रहते हैं आप? मुजफ्फरपुर में। अच्छा, और ऑपरेशन कराने दिल्ली में आए आप? अच्छा, तो गुड़गांव हैं जी? हाँ, गुड़गांव में अभी। हाँ, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर, वही बात है। तो मुजफ्फरपुर से आप यहाँ कैसे आए? लड़का रहता है दिल्ली में। अच्छा, और ये वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन कराया, तो बाकी हॉस्पिटल में भी मालूम किया था, पता किया था ऑपरेशन के लिए? हैं लैपटॉप से देखा जी? लैपटॉप से देखा था। अच्छा, इंटरनेट इंटरनेट पे सर्च करके फिर आपने डिसाइड किया। तो जो कुछ आपने लैपटॉप में देखा या सर्च किया, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? बहुत अच्छा अच्छा रहा एक्सपीरियंस आपका? ऑपरेशन ठीक हो गया आपका? बताइए, ऑपरेशन हाँ ठीक हो गया? अच्छा, ठीक हो गया। बाद में सक्सेस हैं जी? बाद में पूरा सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, अब तो हो गया, बाद में तो और कोई सर नहीं। मेरा बीपी काम कर रहा है क्या? बीपी आपका ठीक है, 140 बोल रही हूँ। वो अभी थोड़ा सा ज्यादा आया, पर अच्छा ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के दौरान तो ठीक रहा था बीपी। अच्छा आप कोई बीपी की दवाई तो खाते नहीं है सच में? नहीं खाते बीपी का दवाई नहीं खाते हैं ना? और यहाँ पे स्टाफ वगैरह का, सबका, उनका बिहेवियर, उनकी बोलचाल सब ठीक है? कोई किसी तरह की, कोई आपको हॉस्पिटल की सर्विसेज में कोई कमी नजर आई हो, कुछ कुछ आप सजेशन देना चाहते हो सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ है तो बताइए। सब ठीक है? चलिए ठीक है, चलिए आप बढ़िया से जल्दी से ठीक हो जाइए, ठीक है? ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बीपी वीपी का दवाई वाई तो नहीं लेना ना? बीपी आप थोड़ा चेक कराते रहिएगा बाद में, आपके घर के पास जो भी लोकल डॉक्टर हो, है ना? और अगर बाई चांस बढ़ा हुआ आता है तो फिर दवाई शुरू करना ठीक है ना? पर पहले से तो कोई बीपी को था नहीं, नहीं, बीपी का नहीं, कोई हम लोग दवाई वाई कभी नहीं लेते। कोई दवाई नहीं खाई आपने? तो भाई रामदेव बैठ नहीं है, रामदेव हाँ जी, रामदेव जी का अच्छा रवान है। वही हाँ, कहे कि है ना कि कहे अल्ट्रासाउंड कराओ, तब जाके पथरी का मालूम हुआ, नहीं तो पथरी का मालूम ही नहीं था। मालूम नहीं था। इसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता है? नहीं, इसमें गैस वगैरह बनता है ना, गैस में तो नहीं जो खाना बनता हजम नहीं होता, गैस बन रहता है ना, और पेट में अफारा वगैरह रहता है ना, खाना खाने के बावजूद भी है। लगता ऐसे है कि कोई इनको तकलीफ नहीं देती थी? हाँ, वो जरूरी नहीं है कि बहुत तेज दर्द हो, पर इनकी हाँ पथरी मालूम है कितनी बड़ी थी आपको? हम तो हम देखे हैं, लेकिन इसमें क्या दर्द नहीं होता है? हाँ, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो छोटी पथरियाँ होती है ना, वो ज्यादा दर्द करती हैं, क्योंकि वो खिसकती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, और जो बड़ी पथरी होती है वो दर्द नहीं करती, क्योंकि ज्यादा मूव नहीं करती है ना। इनकी पथरी जो है 3 सेंटीमीटर के लगभग थी इनकी पथरी, है ना? उसको अपने आप में निकालना भी, उसको तोड़ तोड़ के चुरा करके निकालना पड़ा उसको, है ना? चलिए ठीक है, आप अपने खाने पीने में अभी भी अपना परहेज रखिएगा, है ना? ज्यादा मिर्च मसाला तली चीज नहीं, मिर्च मसाला तो खाते मिर्च नहीं, मसाला तो ऐसे नहीं ऐसे नहीं खाते। रामदेव जी है ना, ये सब मना किए, मना किया मैं, ठीक है एक भी नहीं खाते। ठीक है, लेकिन ये ऐसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है कोई चीज है? नहीं, खाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाकी एक टाइम पे बहुत ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके ही खाना है हर समय, है ना? ठीक है, बाकी अपना सादा खाना, अपना सात्विक भोजन करना है बस। हम लोग तो सात्विक है। हाँ बस, और फल फ्रूट और सलाद वगैरह ज्यादा खाने हैं ना? ठीक है जी, नमस्कार।